यार देखिए, आमिर की कैपेबिलिटी पे तो मुझे किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि वो बहुत कैपेबल बॉलर है और बड़ा अच्छा बॉलर है और उसने बड़ा परफॉर्म किया हुआ पाकिस्तान के लिए। सो उसकी कैपेबिलिटी पे तो मुझे बिल्कुल शक नहीं है। आई होप कि वो अच्छा परफॉर्मेंस बैक करे पाकिस्तान टीम में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज मोहम्मद आमिर के पुराने करीबी दोस्त भी रह चुके हैं। इन्होंने मोहम्मद आमिर की वापसी के हवाले से बड़ी खुशखबरी सुना दी। आप जानते हैं, वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम पाकिस्तान का स्काउट अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें मोहम्मद आमिर का नाम सरे फहरिस्त है। मोहम्मद आमिर ने 4 साल बाद रिटायरमेंट वापस लेकर टीम पाकिस्तान को ज्वाइन किया, जिसके बाद मोहम्मद आमिर के फैंस काफ़ी ज़्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं। नासिन, आपको बताते चलें कि मोहम्मद आमिर वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। और इस हवाले से मोहम्मद आमिर के करीबी दोस्त और चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज का बड़ा बयान सामने आ गया। वो लोग जो मोहम्मद आमिर की वापसी पर तनकीद कर रहे थे, वहाब रियाज ने इनको खरी खरी सुना दी। वहाब रियाज ने कहा कि मोहम्मद आमिर टीम पाकिस्तान का हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। अगर किसी को इससे प्रॉब्लम है तो वो सामने आए। मोहम्मद आमिर को अब वर्ल्ड कप 2024 में खेलने से कोई नहीं रोक सकता। मोहम्मद आमिर वो प्लेयर है जो टीम पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में फतह दिलवा सकता है। मोहम्मद आमिर वो प्लेयर है जिससे दुश्मन टीम कांपती है।